उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पूरी लाइमलाइट में है। अखिलेश यादव लगातार आप उनके रथ पे सवार हो रहे हैं और ये पीला रंग और लाल रंग की आप बात कर रहे हैं कि जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, और इधर डॉक्टर संजय निषाद साहब लाल रंग की टोपी पहन के ये भगवा वालों के साथ चल रहे हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, हालांकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई कि बड़ा भाई कौन है आप दोनों में से, ये बताइए ओम प्रकाश जी क्या लग रहा है आप 2022 में जो आप दावे कर रहे हैं वो सच साबित होंगे, और अगर कैसे लग रहा है कि वो सच साबित होंगे? देखिए हम आपको धरातल की खबर बता रहे हैं जी। हर नेता अपनी अपनी बात करता है जी। पूरे देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, इसको कोई नहीं नकार सकता है, भले वो अपने दल की प्रशंसा करे। जो दूध 30 रुपया लीटर था जो 60 रुपया लीटर बिक रहा है, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए था आज वो 1000 में मिल रहा है, जो सरसों का तेल 50 रुपए था आज वो 200 पार हो गया है। उस गरीब से पूछिए जो रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, जो ट्रैक्टर चलाता है, आप उससे पूछिएगा, आराम से आप फोन, वो आपको बताएगा। ये अखिलेश जी का तो नहीं है ओम प्रकाश जी? अखिलेश जी बज रहे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा अखिलेश जी बज रहे हैं। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि कितनी सीट पे आपको लड़ाएंगे चुनाव? नहीं वो देखिए आपने जो बात कही थी, हम उधर ध्यान भटक गया जी। महंगाई पर हम सब लोग परेशान है महंगाई से, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ये अछूता हो। इससे पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। हम अगर देश की बात छोड़ दें, प्रदेश की बात करें, आज बेरोजगारी 75 साल की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पैदा हुई है तो इस सरकार में। 16 परीक्षाएं विभिन्न विभागों की हुई, 16 पेपर लीक हो गए, एक भी पेपर सही सलामत नहीं हो पाया। पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ पूरा जग जाहिर है। आज अभी मैं देख रहा था, बैठे बैठे देख रहा था, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया जी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने घोटाला किया। आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया है कि 1700 जो आरक्षित सीटें नहीं भरी गई हैं उसके लिए हम वैकेंसी निकालेंगे। अभी हम उसी को पढ़ रहे तब तक आपका बुला लिए इधर। तो ये साबित हो रहा है ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। 68,500 में 5% जो छूट मिलती है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को, वो छूट नहीं दी गई, जिसकी वजह से तमाम बच्चे जो है छूट गए। तो ये चीजें, और तीसरी चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, आप किसी जिले के ट्रामा सेंटर में चले जाइएगा, आपको जरूर मिलेगा 70% योगी जी के ललका सांड और मोदी जी के ललका सांड से एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर, वो ट्रामा सेंटर जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, योगी जी के या मोदी जी के ललका सांड से जो परेशानी है, अर्कल मटर किसान का वो चर रहे हैं, गेहूं चर रहे हैं, आपके सरसों है, गोभी है, पालक है, ये नुकसान कर रहे हैं, उसे निजात देने के लिए सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना पा रही है। ठीक है, आपने ये तमाम, आपने कहा ये तमाम नाकामियां हैं।